खा रहे राजमा चावल, राजमा पराठा सब। DGX उठो उठो, क्यों सो रहे हो? उठो 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 ना, नहीं नहीं उठो, सोना नहीं है, सो क्यों रहे? उठो 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 उठो, सो क्यों रहे? उठो उठो, आपने ऐसे उठाया ना हमको एकदम ब्रूटली, उठो। नहीं भैया, सुबह 7:30 बजे मेरे को वॉक करते हुए मिले, ठीक है? आप सोते? आप क्या 7:30 बजे नीचे क्या कर रहे थे आप? क्यों, मैं तो दौड़ लगाती रहती सोसाइटी में। उठो उठो, सोना नहीं है, चलो स्कूल, स्कूल जाना बेटा, बहुत पार्टी कर ली रात में, सुबह उठो स्कूल जाना है। अरे इसे देखियो, ये अलग ही जोश में। दादी माँ को मिल के मेरे को नहीं बोल के गए। What's up guys, welcome back to 365 vlogs. I hope you're loaded and happy. Good morning to you all. 11 बजे ट्यूशन है, हाँ जाना पड़ेगा, जाएंगे ही। मौसम बहुत ही बढ़िया हो रहा है, बहुत प्यारी हवा चल रही है, बारिश वाला कल भी स्कैम वाला मौसम था कि बारिश होनी होनी है लेकिन हुई नहीं। आज भी स्कैम वाला मौसम है बट होगी कि नहीं होगी पता नहीं। थिंग विच हैपेंड डे बिफोर यस्टरडे, वी हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम दैट, घर वालों से बहुत बातचीत हुई इस टॉपिक पे एंड ऑल एंड ऑल, वो टॉपिक अब क्लोज हो चुका है। उस टॉपिक को लेकर अब हमने अपना मूड खराब करना नहीं, वी वर डिस्टर्ब फॉर लाइक 2 days बट इट्स ओके, इट्स ओवर नाउ, सो लेट्स मूव ऑन विद दैट। अगेन कमिंग बैक टू द टॉपिक, खाने वाली जो बात है, मैंने कंट्रोल करा हुआ है और अगर विश्वास नहीं हो रहा, दीदी दीदी आई विटनेस है, दीदी मैंने परसों से अभी तक कुछ खाया न, तुम तो एक अन्न का दाना भी ना खाया, तुम इतने बढ़िया सही आदमी हो, सिर्फ लिक्विड डाइट अभी। हाँ फिर ठीक है, पढ़ाई के लिए, पढ़ाई के अच्छे अच्छे काम के लिए कर रहा हूँ मैं ये, करके दिखा चल, अच्छा करता रहे बस ऐसी तरक्की कर। 2 दिन रोक लिया है, आज भी नहीं खाऊंगा, सिर्फ पानी पीऊंगा और ऐसे कर करके मैं हर दिन काटूंगा। देख ले सीमा, देख ले सीमा, देख ले सीमा, देख ले क्या करती रहती है, वादे तो टाइम कॉल मेरे को इतनी जबरदस्ती मम्मा आम खिलाना चाहती, पूरे भूख दुनिया को जा दिया, खाया नहीं, खाएगा नहीं, मैं झुकेगा नहीं, आज भी भूखा रहेगा मैं, ठीक है यार अपना डिसीजन है कोई ना, आ जा। हाँ तू नहीं मिला मेरे से आके, कैसे प्यार से भाग के है। एमी दीदी तो गई स्कूल है ना, दीदी तो गई स्कूल। टुडे इज द वेरी लास्ट डे विल स्टडी मैथ्स फॉरएवर, मैथ्स से नजरें भी नहीं मिलानी मैंने, ये सीन होने वाला है। मैथ्स ने जिंदगी भर बहुत परेशान किया, बहुत सताया ये सब्जेक्ट हमको, आज आखिरी दिन है मैथ्स का, आज के बाद हम मैथ्स नहीं पढ़ेंगे, एन ऑल नहीं पढ़ेंगे ना, इसको मतलब ही नहीं है पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, उसको फैलना है। ए दीदी दूध दे दो, पहले पूछती भी कि वंश दूध लोगे चाय लोगे, जब मैंने बोला दूध दे दो तो अब 10 दिन लगेंगे कोई दूध देने में, अब मिलेगी ना, अब व्रत रखा हुआ है ना, लिक्विड डाइट चालू है ना दीदी, ये हमारे घर में ही हो सकता है, सिर्फ पैकेट में ना हवा है ना चिप्स है, लेकिन पैकेट जरूर आएगा क्योंकि संभाल के एकदम फ्रेम कराएंगे इसको। कल मैं ना वहाँ गया था, क्या बोलते पापा के साथ सब्जी मार्केट रात में, जब पापा और मेरी बात चल रही थी तो ना वहाँ एक भैया मतलब बहुत ही मतलब प्यारे तरीके से सब्जी बेच रहे थे, तो चुपके से मैंने वो रिकॉर्ड कर लिया, उनको पता नहीं चला, मतलब मैंने फिर बाद में बताया भैया मैंने रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं, हाँ कोई दिक्कत नहीं, बट मैंने ना ब्लॉग के लिए मैंने रील के लिए रिकॉर्ड करो, उसकी मैंने रील बना दी, कह रहे थे होटो से खाने वाली घिया होटो से, बहुत ही मजेदार बोले थे, मैंने तो कुछ पार्ट रिकॉर्ड किया था और बहुत कुछ बोला था उन्होंने। अब सब्जी मार्केट में ना लगे एंटरटेनमेंट चलता है भाई हर जगह की। क्या कहाँ गए? क्या लाए थे? भटकी हुई है दीदी, दीदी की दुनिया घूमी हुई है। किसका नाम नहीं पता? इमली का गोली था शायद, वो तो मेरे पेट में चला गया, इमली की गोली से पेट छोड़ना पड़ता था इसलिए वो पेट में चला गया, इमली के लड्डू गोली लाए थे पेट में डाल ली मैंने, नहीं सौंफ भी गई, इमली लड्डू भी गई, इमली गोली अगले ट्यूसडे मंगाना। एमी ने मना कर दिया था, एमी ने मना कर दिया था, तो वो आई एमी के लिए थी, उसने मना कर दिया तो हमने खा ली, लेकिन उससे पेट नहीं भरता, इमली गोली मुझे भी खानी थी, इमली की गोली से पेट नहीं भरता है, पेट नहीं भरता ठीक है मुझे खानी, तो वो काउंट नहीं होता, मैं क्लियर ना करूँ अपना, लोग सोचेंगे इतना खा लिया, मैंने भी सोच विचार किया और मेरे को लग रहा है सारे पेपर ना कुछ ज्यादा ही हो जाएगा कि सारे पेपर तक नहीं खाना, मैथ्स के पेपर तक ही रखे, ये मैथ्स का पेपर सबसे ज्यादा अपने लिए बेकार जाता है ना हमेशा, तो मैथ्स के पेपर तक के लिए हम नहीं खाएंगे, बस कल कल की और बात है, कल पेपर दे के आगे हम अपना मील कर लेंगे लेकिन कल तक कुछ नहीं खाना है। चलो कट टू शॉर्ट, एग्जाम ये वाला, क्योंकि घर वाले परेशान हो रहे थे ना, देखा नहीं जा रहा, तो मेरी भी जिद हो रही है, मतलब कल तक कहीं कर रख लेता इतना, 24 तारीख आप लोगों के लिए आज, मेरे लिए कल, जैसे एग्जाम खत्म होगा ना तो मैं इनके ऑफिस जाऊंगा और उधर जाके कुछ खा लूंगा, चलो ये कर लेते हैं कल। प्रैक्टिकली देखा जाए तो थोड़ा लग रहा होगा कि मतलब हाँ एकदम सर दुझ के नहानू के रेडी हुआ है, बट नहीं एक्चुअली आपको भी रियलिटी पता है, मुंह हाथ ही धोया था। हाँ चलो जी अब निकलते हैं ट्यूशन के लिए, फाइनली जाना तो पड़ेगा, जो भी हुआ जैसे भी हुआ कोई बात नहीं, नीतू दीदी ने भी कल मोटिवेशन दी तो वो भी हमने दिमाग में रखी, चल खुश रहना, आटा वाला हाथ देखना, नहीं 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 आटा नहीं लगा, बच गए ऐसे तो खुश रह, अच्छी तरक्की कर, ईश्वर का कृपा आपके ऊपर बनी रहे, आय हाय हां आय हाय ओए हो दीदी ओ हो ओ, और जब तू हमेशा खुश रहे भाई, अरे रे वाह, मोटिवेशन अलग ही दे देती दीदी, मेरे को अच्छा लगे कि हमें कहते हैं ये हमारा वंश है, टीवी पे आए कहीं पे आए प्रोग्राम में तो बोले हम भी दिल खोल के हमारा वंश, वाह क्या बात करती, मम्मी पापा को बाय बोल देता हूँ कि बाय, इतना बड़ा हमने क्या मंगा दिया, मेरे को तो पता भी नहीं, कुछ ग्रोसरी होगा, ग्रोसरी इतने में, थैंक यू भैया, पहली बार इतना बड़ा आइटम कुछ आया है, अनबॉक्सिंग की परिक्रमा पूरी कर दी जाए, अनबॉक्सिंग विद दी बॉय की, अनबॉक्सिंग विद दी बॉय के फ्रेश कमाल एपिसोड में आपका स्वागत है, आज हम अनबॉक्स करने वाले इतना बड़ा डब्बा, भैया ने सही कहा ग्रोसरी आई है,
मैगी, शैम्पू, सर्फ एक्सेल, दीदी के लिए डब्बा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अनबॉक्समेंट दीदी बॉय। क्या पोपट हुआ, क्या एक्साइटमेंट थी मेरे अंदर की कुछ बड़ी चीज आई होगी, एकदम अच्छी खासी बहुत बड़ी चीज आई है, वर्ल्ड क्लास चीज आई है। हमेशा ऐसे होता है मेरे साथ, जब मैं जब भी एक्सपेक्टेशन रखता हूँ ना कि कुछ अच्छा होगा, कद्दू की जड़ कुछ अच्छा नहीं आता। जो हमारी स्ट्रीक चल रही थी ना अच्छी खासी चितन्ने से पहले आने की, साइकिल आ गई उसकी, वो पहले आ गया आज। यार काश स्ट्रीक मेंटेन हो जाती, बस 5 मिनट की गैप में वो आ गया, वरना वो लेट ही आता। मैथ्स का पेपर है ना इसलिए वो आया जल्दी। अब देखना नेक्स्ट पेपर में कल लेट आएगा, वो आराम से सोता रहेगा। पर मेरे को अपनी एक मतलब बहुत ही पुरानी फ्रेंड और एक तरह से मतलब चाइल्डहुड टाइप ही फ्रेंड और क्लोज भी है, उसके बर्थडे में भी जाना है। अच्छा है परमिशन मिल गई, मेरा मन है थोड़ा मैं भी मतलब हो जाता हूँ, इतने टाइम से मिले भी नहीं। एंड एट द सेम पॉइंट अगर स्पेशली बुलाया गया तो इट फील्स गुड कि अगर आपको किसी दोस्त ने, मतलब इन जनरल बोल रहा हूँ कि अगर किसी दोस्त ने इतना टाइम बाद याद किया तो जाना ही चाहिए। सम वैल्यू इन देयर लाइफ, दैट्स द रीजन दे कॉल्ड यू, दे रिमेंबर्ड यू। 5 मिनट हो गए खड़े हुए, लिफ्ट एक वाली आनी थी और दूसरी साइड की जो आ रही है तो वो नीचे में खेले जा रही है, अपने -2 -1 में खेले जा रही है वो भी, तो इसलिए अब सीढ़ियों से निकल रहे हैं। और अभी हमारा लंच ब्रेक हुआ है, मैंने तो लंच खाना नहीं है, बट ठीक है ब्रेक मिला है आज। मतलब इतने टाइम बाद ना बाल अच्छे लग रहे हैं, पता नहीं क्यों। बिना नहाए कैसे तेज जा रहा है भाई तू, खाना खाए जला मत मेरे को। एक चीज तो मैंने नोटिस करी है, जब से मैंने मतलब खाना नहीं खाया ना उसके बाद से मतलब थोड़ा लथार्जिक सा फील हो रहा है मेरे को, मतलब टायर्डनेस ही फील हो रही है मेरे को ना, क्रैम्प्स स्टमक साइड थोड़े ज्यादा ही आ रहे हैं कहीं ना कहीं थोड़ा, मतलब अब वो पता चल रहा है कि कितना इफेक्ट हो रहा है हेल्थ पे। बट इट्स ओके, कल की और बात है, थोड़ी देर की और, थोड़े मतलब 2 मील्स की और बात है, डिनर और ब्रेकफास्ट, क्योंकि लंच तो अब कट ही गया, तो डिनर और ब्रेकफास्ट की और बात है, एंड देन वी विल हैव आवर लंच टुमारो डायरेक्टली। मौसम वैसे बढ़िया हो रहा है, हल्की हल्की धूप आ गई, लेकिन काले बादल वो मेंटेन ही है, आई होप ऐसी ही रहे और बारिश हो जाए प्लीज। मतलब वो चिपचिपा सा मौसम, ह्यूमिड वाला थोड़ा लग रहा है, बट स्टिल आई होप कि हो जाए बारिश तो अच्छा रहेगा। ये लो हुई तो है बारिश, पूरी स्कूटी की ऐसी की तैसी फिर गई, बूंदा पानी बोलो इसको तो। यार अब साफ करनी पड़ेगी सीट, तू सुन ना एक बार, सीट पे बैठ के अपने आपको रगड़ दे। तूने वैसे सफेद पहना है, अरे पागल ब्लैक पहना है, ब्लैक और सफेद पहना ना तो गंदा होगा, तो एक बार हो जा कर दे भाई, भाई के लिए तरह नहीं कर सकता नहीं। क्या गद्दार है रे तू। पीने में क्या है, पीने में कुछ नहीं, कुछ तो होना चाहिए। अरे यार दी छाछ पानी कुछ तो दो, शरबत ही पिला दो, रात को राजमा चावल बहुत अच्छा। कोई ना, आप कितना भी चढ़ा लो नहीं खाएंगे हम। सूप तो पी सकते हैं यार आई गेस, दीदी सूप तो लिक्विड है, सूप तो पी सकते हैं ना। मैंने पहले बोल दिया पीने वाली चीज नहीं, सूप भी नहीं है झूठी, अगर मैंने निकाल दिया तो सूप नहीं है ठीक है, देख लो नहीं है सूप। अरे ऑरेंज का जूस भी निकाल सकता हूँ मैं। ये 4 संतरे हमने काटे और 4 संतरे से टोटल 8 पीस निकले हैं, तो अब हम इनको एकदम परफेक्ट शेप में निकले, तो इसको इसके ऊपर डालेंगे तो छोटे संतरे हैं, ज्यादा जूस भी निकलेगा, इसको घुमा देंगे पूरा तो जूस निकल जाएगा इनका, अच्छे से पूरी जान निकाल देंगे इसकी, चिपटा कर देंगे इसको। एंड इन टोटल इतना सारा जूस निकला है, इसको हम ग्लास में डाल के देखते हैं कितना निकला है। ये है एक कांच का ग्लास और इसके अंदर ही सारा जूस जाएगा, ऑलमोस्ट फुल, बढ़िया है। चलो इतना भी बढ़िया है, कुछ हेल्दी चीज जाए तो थोड़ी एनर्जी आएगी ना, मजा आ गया। निकरू हेलो, ठंडी मेरे को ऑफर कर रही है। अच्छा मेरे लिए भी लाई है, वेरी गुड। स्कूल कैसा था? चपा। आज आपकी ऑनलाइन क्लास है, पता है। सब पता है आपको, लेट कैसे हो जाता है स्कूल से आने के लिए, क्यों भेज रहे हो नीचे इसको? अमी पापा नीचे भेजते रहते हैं। अरे लूम बैंड ये किसने बना के दिया? मेरी फ्रेंड ने दिया। ओ आपकी फ्रेंड ने दिया, मत करो। क्या कर रहा है, प्यार कर रहा है और क्या करेगा निकरू? हगी कौन देगा? मेरे को इसको नहीं, मेरे को आगे, आगे। बताया नहीं आज अपने स्कूल की कहानी? तुझे क्या बताया? ओए क्या बोली? मैंने कहा इसको कहा मैंने। अच्छा मैं वही सोचूं, दीदी भी एकदम से मुड़ गई जैसे तूने कहा मेरे को। तुझे क्या, मेरे को नहीं कहा, पक्का ना? पक्का मेरे को कहना चाह रही थी ना? नहीं हाँ ना, नहीं अलू कह रही थी, मेरे को कह रही थी। हाँ मम्मा को बताऊंगा, रिकॉर्डिंग आ गई, मम्मा को दिखाऊंगा, अभी पापा को भी दिखाऊंगा, मम्मा को दिखाऊंगा, नाना नानी जी को भी दिखाऊंगा। नहीं रहा जा रहा यार, मेरे से रहा भाई तुमको देखते नहीं रहा जा रहा, हम खा रहे राजमा चावल, राजमा पराठा सब, भूख लग रही है कोई ना, अब खाना पड़ेगा यार, नहीं रहा जा रहा, बहुत कंट्रोल कर लिया, बहुत कुछ कर लिया, बट अब खा लेंगे कोई ना, करने की जरूरत नहीं, अभी मेरे पास ऑप्शन है, मैं वापस फिर सकता हूँ खाना, मैं ले जा सकती हूँ, बट अब नहीं, अब हमने माइंड बना लिया है, तो अच्छा लगेगा ये खा के। मजा, जन्नत भाई जन्नत। चलो जी हम तो चले अब ट्यूशन जल्दी से, भाई साहब एकदम से भाग रहा हूँ, बाहर बहुत बारिश हो गई, स्कूटी को बेसमेंट में डालना है इसलिए।
लिफ्ट भी पता नहीं कब तक आएगी, जल्दी से वेट करो। ओए अभी शुरू नहीं हुई है, बिजली कड़कने की आवाज़ आ रही थी तो मेरे को लगा शुरू हो गई। शुरू नहीं हुई है बट शुरू कभी हो सकती है, आंधी हो रही है भाई। बट सेफ्टी के लिए हम स्कूटी बेसमेंट में डाल ही देते हैं भाई। क्या ही बढ़िया मौसम, मजाक चढ़ के मजा आ भी गया। चलो जी डन, ट्यूशन अच्छे से हो गई है एंड आज हम जिम नहीं जाएंगे क्योंकि कल पेपर है, तो पेपर से एक दिन पहले हम कभी जिम नहीं जाएंगे। मन है, तलब है, बट नहीं, कंट्रोल करेंगे, अभी टाइमली एडिटिंग करेंगे, टाइमली सब करके। मैं ना जरा नाना जी के आया हूँ, हल्की ठंडे ठंडे छींटे पड़ रहे बारिश के। मैंने क्या जरा वो कपड़ा लेने आया हूँ स्कूटी को साफ करने के लिए, और उतने में बार बारिश चालू हो गई, ठंडे ठंडे छींटे पड़ रहे, अच्छा सा लग रहा है बड़ा। ये देख लो पूरी छाती पे इतनी तेज तेज की बूंदे पड़ रही थी ना, एकदम बजी है जो आके मार मार के गई, ऐसे बूंदे चाटे मार गई मजाक से। कपड़ा लेने गया था, थोड़ा ना पता था कि भीग जाऊंगा, ऐसे भीगा नहीं, पार्शल भी नहीं भीगा, बहुत ही चन्नू सा भीगा, लेकिन मजा आया भाई। मन कर रहा है भीगने चले जाऊं, बट नहीं भाई, एग्जाम से एक दिन पहले इतनी टेम्पटिंग चीजें क्यों हो रही है यार। भाई साहब हम फुटओवर पे आए सोसाइटी वाले, और हवा इधर क्या प्यारी चल रही है, मतलब यहाँ अच्छा लग रहा है। हाँ चलो यार, हम आजकल लोग हिराप करते हैं, अभी मैं बस अपना पाउच लगा लूंगा सुबह के लिए, कंपस वंपस सब डालना, प्रोटेक्टर नहीं है, बड़ी दिक्कत होगी। मेरा प्लान था अभी मैं जाके खरीद लेता, बट यार लेट हो गए, बट कोई ना यार। थैंक यू सो मच वॉचिंग टुडेज व्लॉग, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर ही देना यार, करके क्या जाना, कर ही देना। दिस वी बॉय केयू एंड साइनिंग ऑफ इन गर्ल का व्लॉग, आज देख लेना, बाय, कल से मिलते हैं, बहुत ही बढ़िया व्लॉग किया था, गुड नाइट एंड हैव अ ग्रेट वन। आई एम सॉरी।